गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी एजुकेटर्स। आज मैं आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी लाई हूँ। अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने से पहले आपके स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ। ये क्वेश्चन जो है मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है, सो यस गाइस प्रिपेयर फॉर इट। सो यस गाइस, अब हम अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो है हमारी अनस्कूल। यस गाइस, ये अनस्कूल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में काम क्या होता है मैं आपको ये बता देती हूँ, तभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। अनस्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटर्न्स को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है। यस गाइस, बेसिकली स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट देता है और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी। यहाँ पे तीन टाइप्स के कोर्सेज है आपके। पहले जो आते हैं वो टेक्नोलॉजी कोर्स, कोई भी आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे कोर्स को पोस्ट कर सकते हैं। डिजाइन कोर्स, अगर आपको डिजाइनिंग आती है अच्छे से या आपको थोड़ा सा ऐप डेवलपमेंट कोर्स भी आता है तो आप यहाँ पे इजिली वर्क कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोर्स जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो हमारा आता है मैनेजमेंट कोर्स। ओके, आपको क्लाउड कंप्यूटरिंग के बारे में यहाँ पे बताना है या किसी और चीजों के बारे में, मैनेजमेंट हैंडलिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आपको बताना है। सो बेसिकली आप यहाँ पे बता सकते हैं इजिली। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे टीचिंग करेंगे, इंटर्न नहीं है आप यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पे बेसिकली टीचिंग करनी है क्योंकि आप एज ए इंटर्न यहाँ पे काम करेंगे तो आपको पे आउट देने पड़ेंगे, पर हमें पैसे चाहिए, देने नहीं है। तो इसलिए गाइस आपको यहाँ पे टीचिंग का रोल परफॉर्म करना है। अब टीचिंग के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। सो यस गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज पे जाना है एंड सर्च करना है अनस्कूल। जैसे ही आप सर्च करेंगे अनस्कूल, वैसे आपके पास लिंक आ जाएगा, आपको क्लिक कर देना है उस लिंक पे। ठीक है, अनस्कूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपके पास एक इंटरफेस शो होगा आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखेंगी। सो यस गाइस, आपको यहाँ पे प्लान्स दिखेंगे डिफरेंट टाइप्स के। आपको यहाँ पे प्लान्स अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, ओके, एंड AWS क्लाउड कंप्यूटरिंग आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यस गाइस, आपको भी ऐसे अपना कोई भी एक अच्छा सा प्लान, मतलब कोई भी अच्छा सा एक कोर्स डेवलप करना है ताकि आप उसके पैसे लगा सके। ओके, एंड यस आप यहाँ पे कोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 3,000 आप एक कोर्स से कमा सकते हैं। सो यस गाइस, इसका सबसे पहले हम स्टेप्स जान लेते हैं कि हमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर है। सो यस, आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे अपना काम, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लान अ कोर्स। सबसे आपको टॉप पे दिख रहा होगा प्लान अ कोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको प्लान करना है अपना कोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बेसिकली कंप्यूटर्स लेना चाहती हूँ, तो मतलब मेरा जो कैटेगरी है वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी मैं अगर अपना कैटेगरी चूज करती हूँ तो मेरे को अब क्या करना है, प्लानिंग करनी है कि मेरी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज होगी, स्टाइल होगा वो कैसा होगा। ओके, अब अगला आपके पास क्या ऑप्शन है, अगला आपके पास ऑप्शन है क्रिएट योर करिकुलम। अब आपको अपना करिकुलम अपना क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कंप्यूटर एक टॉपिक कंप्यूटर में समझाऊंगी तो उसके अंदर मैं क्या क्या चीजें समझाऊंगी वो आपको बताना है अपने उसमें, क्या कहते हैं, वीडियो के अंदर। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे वीडियो क्रिएट करके पब्लिश करनी है। बिल्ड योर कम्युनिटी, आपको अब बिल्ड करनी है अपनी कम्युनिटी, अपने रिसोर्सेज को बिल्ड करना है। अगर आप जैसी कोई भी कोर्स पोस्ट करेंगे, आई नो 2-3 दिन में या एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, बट एक बार आप पोस्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो आपके कोर्सेज है वो हाईलाइट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी आपको प्रमोट नहीं करेगा जितनी जल्दी अदर प्लेटफॉर्म्स करते हैं। बट यस गाइस, आपको यहाँ पे अर्निंग कुछ ज्यादा अवेलेबल हो रही है। सो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ये प्लेटफॉर्म ही बेस्ट है। एंड यस, इंटर्न्स यहाँ पे बेसिकली पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं, सो आप यहाँ पे मदद भी कर सकते हैं इंटर्न की। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जूनियर कोच सपोर्ट। आपके पास बहुत सारे सपोर्ट रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है जिनसे आप मदद लेंगे, या जो आपके जो बिलो में है जूनियर कोचेज है वो आपसे मदद लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंटरेक्शन चलता रहता है कोचेज का, तो आपको इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मुझे कुछ सीखना नहीं आ रहा है, मुझे कुछ पब्लिश करना नहीं आ रहा, तो मैं कैसे क्या करूं। ओके, अब मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पे कोच आप
किस वे में बनेंगे, मतलब कौन कौन से स्टेप्स है, स्ट्रेटेजीज है, आप यहाँ पे कोच बनेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, इसमें आपकी सारी डिटेल्स पूछे जाएंगी, एक्सपीरियंस पूछे जाएंगे, एंगेज गाइस, आपका पूरा नाम, मेल एड्रेस, आपके मतलब क्वालिफिकेशंस को आपको यहाँ पे जज किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका स्क्रीनिंग एंड वेरिफिकेशन। अब स्क्रीनिंग एंड वेरिफिकेशन में क्या होता है, इसमें आपकी क्वालिटीज जो होती है आपकी, बेसिकली आप पर्टिकुलर किस कैटेगरी में आप बनाना चाहते हैं, अगर उसमें सबसे कम लोग है तो ये गाइस आपसे आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाता है। ओके एंड ये फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग में बहुत सारे लोग है, सो ये गाइस अगर आप भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा रेयर चांसेस है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कोर्सेस चूज करें। ओके ऑनबोर्डिंग एज अ कोच, फिर आप प्रेजेंट करेंगे अपनी जो स्किल्स है वो वहां पे इंटर्न्स को प्रेजेंट करेंगे अपनी स्किल्स, ठीक है, बाय द फॉर्म ऑफ अ कोर्सेज जो मैं आपको दिखा चुकी थी पहले, और अपने हिसाब से आप यहाँ पे पैसे भी एड ऑन कर सकते हैं। सो यस गाइस, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अप्लाई करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे ऑन द टॉप 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे, मैं दिखा देती हूँ, ब्राउज कोर्सेज, बिकम अ कोच, अबाउट अस, जॉइन अस एंड साइन इन, आपके पास ये सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। तो आपको अब क्या करना है, बिकम अ कोच पे क्लिक आउट करना है। जैसे वहां पे आप क्लिक आउट करेंगे आपके पास ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा रेडी टू अपस्किल का। ओके अब आपको क्या करना है, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आपके पास एक और न्यू इंटरफेस खुल जाएगा। सो यस गाइस, आपके पास एक और न्यू इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपके पास एक कंडीशंस आएंगी। सो कंडीशन क्या है मैं बता देती हूँ, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, आपकी एज 18 होनी चाहिए और 18+ होनी चाहिए आपकी एज, हैव अ कोचिंग एक्सपीरियंस 3 इयर्स, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कोचिंग का। अब यहाँ पे मुझसे पूछा जाएगा कि भाई कोचिंग का एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। सो बेसिकली आप या तो एज अ ट्यूटर है या तो एज अ टीचर है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स, आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करना आना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आपको प्रेजेंट करनी आनी चाहिए अपने स्किल्स को। मैं बोलती जा रही हूँ आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको स्क्रीन पे शो करती हूँ एक एक चीज, तो आपको तब समझ में आएगा कि अच्छा ये बात मैं कह रही हूँ तो मैं सही कह रही हूँ। ओके तो आपको भी ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन यूज करना है अपनी वीडियोस में। ओके बी विलिंग टू इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विद द स्टूडेंट्स, आपको इंटरेक्ट करना है बच्चों के साथ। अगर मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करूंगी कमेंट सेक्शन में तो आपको कैसा लगेगा। सो यस गाइस, आपको भी इंटरेक्टिव रहना है यहाँ पे, कभी लाइव हो जाएगी, आप लाइव भी कर सकते हैं अपनी वीडियोस को, एंड यस ऑफलाइन भी आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो यस गाइस, आपको इंटरेक्टिव रहना है अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो, अगर ऑफलाइन ले रहे हैं तो आपको मैसेजेस के भी रिप्लाई करने होंगे इस प्लेटफॉर्म पे। बी एबल एंड विलिंग टू डेडिकेट द टाइम एंड अटेंशन ऑफ द सोसाइटी, सो यस गाइस, आपको उनका अटेंशन गैदर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अटेंशन गैदर नहीं कर पा रही हूँ तो आप मेरी वीडियो को जो है वो आप जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट देखेंगे, ओके या स्किप करके देखेंगे। सो इसलिए आपको भी क्या करना है, आप जो स्टूडेंट है वो आपकी वीडियो को स्किप ना करे, अच्छे से वो रियलाइज करे, एनालाइज करे सारी कॉन्सेप्ट को कि भाई इस कॉन्सेप्ट को ये कहते हैं, क्यों कहते हैं, अच्छा मैम अच्छा पढ़ा रही। तो इसलिए गाइस आपको भी बहुत अच्छा पढ़ाना है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, अटेंशन ग्रैब करते रहना है बच्चों का। सो इसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस पे। तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है कुछ इस टाइप का है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका आता है नाम, ओके, बर्थ एंड यस जेंडर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। करंट लोकेशन आपको अपनी फिलअप करनी है, ईमेल आईडी फिलअप करना है, फोन नंबर फिल करना है, और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा वर्क एंड पोर्टफोलियो का। सो ये इसका हिसाब आपको यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, आप किसमें एक्सपर्टाइज है। ओके वेल एक्सपर्टाइज में आपके पास 3 ऑप्शन है, मैं बता देती हूँ, रिपीट कर रही हूँ फिर से। तो आपके पास इसमें आ जाता है टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैनेजमेंट, तो आपको इन 3ों में से ही यहाँ पे चूज करना है।
कोई पोर्टफोलियो अगर आपने प्रीवियस ईयर में बनाया है तो उसका लिंक देना है, अदरवाइज अगर आपने कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया है तो प्लीज बना लीजिए, क्योंकि इस पे स्टार लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी आपको इधर सेंड करना है। ओके, सर्टिफिकेट एंड मेजर क्रेडेंशियल्स, तो आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि भाई आप कौन कौन से हो। ठीक है, अपना गूगल ड्राइव में आप सेव कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉपी मतलब मैंने अपने फोन से क्लिक आउट की कोई पिक एंगेस, मैंने गूगल ड्राइव में सेव करी, तो गूगल ड्राइव में जब मैं सेव करूंगी उसका लिंक एड्रेस जो है मैं यहाँ पे भेजूंगी। ओके, तो आपको लिंक एड्रेस भेजना है। फिर उसके बाद आपको सोशल मीडिया चैनल्स की आपको लिंक भेजना है, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन हो गया। ओके, एंड अदर एक्टिविटीज, अगर आप फेसबुक पे एक्टिव रहते हो तो उसका दे दीजिए, जिस पे भी आप एक्टिव रहते हो आप उसका लिंक यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सो यस गाइस, आपका फॉर्म फिर रिव्यू होने के लिए चला जाएगा। बस गाइस, आपका फॉर्म फिर रिव्यू हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। इन्होंने मेरे ख्याल से जो मेरे ख्याल से 7 वीक्स का टाइम दे रखा है। सो यस गाइस, 1 महीने के अंदर तो हो जाना चाहिए आपका फॉर्म रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई और भी डाउट है रिलेटेड टू एनी थिंग तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आई विल हेल्प यू फॉर दैट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो यस गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरी सारी नोटिफिकेशंस के साथ अपडेटेड रह सके। सो यस, सी यू, बाय।